You know, there are hundreds and thousands of mosques in the Waqf Board, hundreds and thousands of madrasas, of graveyards. The total bank is 9.4 lakh acres, 41 billion square feet, 3,800 square kilometer. It may be worth billions and hundreds of billions of dollars. It is a big asset. And they're trying to eat this property, trying to put non-Muslim on the board. If, imagine, just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big human cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there'll be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Thousands of madrasas, thousands of property worth lakhs of acres of land can be taken away. तो जिहादी जाकिर की जहरीली तकरीर तो आपने सुन ली, लेकिन भारत सरकार भी बिल्कुल क्लियर है और वर्जन सामने आ गया है बीजेपी का कि किस तरह से हैसियत दिखाएंगे। सुनिए जरा गौरव भाटिया को। जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है, भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मुसलमानों की बात हो और असदुद्दीन ओवैसी ना उस डिस्कशन में आए, वो ना भड़काएं, क्योंकि उनके लिए भी तो वोट बैंक का सवाल है ना। झूठा नैरेटिव कैसे फैला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया, याद रखो अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। ये बोलते बोलते आखिरकार सियासी तौर पर तो बोल ही दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, अपना सच उन्होंने खुद जाहिर कर दिया कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। सियासी तौर पर बर्बाद करना चाहते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक उसमें इजाफा हो। लेकिन गिरिराज सिंह ने भी बहुत माकूल जवाब दिया है, सुनिए। वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये वक्फ बोर्ड क्या उसमें महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या सुन्नी मुसलमान या गरीब मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड कोई जमीन हड़पो आंदोलन है? मुसलमानों को भड़काने का काम ये जरूर कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ओवैसी को, जिस भारत के अंदर बंटवारे के बाद 2,500-3,000 मस्जिद पूरे देश में था, आज 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, फिर भी गाली दे रहे हो देश को। जिस पत्तल में खाते हो उसी को, उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। तो जो बातें कही जा रही हैं, जिन माया जालों में फंसाया जा रहा है मुसलमानों को, उन मुसलमानों के लिए ये सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा था, अब हम आपको ये बता रहे हैं। खामियों को दूर करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा कि बिल से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा, कहीं कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, ख्याल रखे लाया जा रहा है, बेहतरी के लिए लाया जा रहा है, ये बिल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए लाया जा रहा है, उनकी तरफ से ये कहा गया। बिल के प्रावधान में किसी धर्म में दखल नहीं, दखल अंदाजी करने के लिए नहीं है, बेहतरी के लिए और न्याय के लिए, इस पर उनका जोर रहा। वक्फ बोर्ड पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, उन्होंने अपनी मिल्कियत उसे बना लिया है। बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों की दुआएं मिलेंगी, ये कहना है किरण रिजिजू का। और उसके जेपीसी बनाई भी गई, वक्फ बिल पहली बार पेश नहीं हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा। किरण रिजिजू ने जब सदन के अंदर बात रखी थी तो ये बड़ी बातें कही थी, जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक दिया जाएगा, कहीं किसी का हक ना मारा जाए, इस पर फोकस है। बिल से किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, जिसका छीना है उसे वापस दिलाने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड पर भी देखिए माफियाओं का कब्जा है, ये कहा था अल्पसंख्यक मंत्री ने।
और इसीलिए ये न्याय के लिए, बदलाव के लिए, बेहतरी के लिए बिल लाया गया। बकायदा इसको एक्सप्लेन किया गया था। क्या कहा था, एक बार सुनवा भी देते हैं आपको। जो वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोगों कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक के चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है। नाम मत बताना, ऐसा नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है, लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। नहीं करना चाहिए सर। कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से, और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। तो देश के बाहर बैठे जिहादी और देश में रहने वाले सियासतदान फेक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ के माया जाल में मुसलमानों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां का मुसलमान, भारत का मुसलमान समझदार है, ऐसे फंसने वाला नहीं। रिपोर्ट देखिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। एक मस्जिद को हमने खो दिया, खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। भारत में मुसलमानों को भड़काने और डराने का काम एक बार फिर हो रहा है। विदेश में बैठे भगोड़े जिहादी और देश में बैठे कुछ सियासतदान वक्फ बिल को लेकर झूठ का माया जाल फैला रहे हैं। वक्फ बिल के खिलाफ QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्कैन के जरिए वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों से आवाज उठाने की बात की जा रही है। मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को रोकने के लिए हाईटेक तरीका अपनाया है, तो वहीं ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जहां वक्फ संशोधन बिल पर देश के मुसलमानों को भड़काने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश हो रही है। वायरल वीडियो से सामने आया है कि गली गली लाउड स्पीकर के साथ वक्फ बिल पर ही मुसलमानों को भड़काने का भी काम किया जा रहा है। वायरल वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मोदी सरकार इस वक्फ बिल के जरिए उनकी संपत्ति, मस्जिद, मदरसे और कब्रिस्तान छीन लेगी। सबसे याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएंगे। वायरल वीडियो के जरिए मुसलमानों के बीच जाकर भड़काने और उकसाने, भ्रम पैदा करने की कोशिश देश से लेकर विदेश तक हो रही है, जिसमें भगोड़ा आतंकी और जिहादी जाकिर नाइक भी शामिल हैं। भगोड़ा जाकिर नाइक वक्फ बिल को हथियार बनाकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये जिहादी आतंकी गुरु जो खुद दूसरे देश में भारत से छिपकर बैठा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़का रहा है। भगोड़ा जाकिर नाइक कह रहा है कि मुसलमानों वक्फ बिल का विरोध करो, वरना तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे मदरसों पर कब्जा हो जाएगा। ये भी कह रहा है कि मुसलमानों तुम्हें कब्रिस्तान भी नसीब नहीं होगा। इवन इफ 5 million मुस्लिम, इवन 2.5% ऑफ द मुस्लिम, इफ दे सेंड द ऑब्जेक्शन एंड दे रिजेक्ट दिस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, इट विल बी स्टॉप्ड। लेकिन मुसलमानों को गुमराह करने की साजिश के खेल में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो वक्फ बिल लाया गया है
उसका मकसद एक ही है कि मुसलमानों से उनकी प्रॉपर्टी को छीन लेना। जबकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के सदस्य खुद असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी में वो अपने डाउट रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के मुसलमानों को वक्फ बिल पर भड़काने वाले बयान समझ से परे हैं। एक मस्जिद को हमने खो दिया, खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। आखिर देश से विदेश तक वक्फ बिल पर चल क्या रहा है और मुसलमानों को भड़काने की साजिश क्यों की जा रही है, जबकि मोदी सरकार लगातार कहती आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।